नमस्कार दोस्तों और स्टूडेंट्स, फिश टेल वीडियो नंबर 4। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बोट्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। टारगेट लर्निंग आउटकम्स आर: we should know the directions, we should know about different types of boats, we will be able to answer questions related to speed, time and distance. East and west are the four directions. I can help you to know them. If you stand facing me in the morning, you face east. So west is behind you. North is towards your left shoulder. South is towards your right shoulder. Got that? Now tell me the directions again. Purab. East. Pachim. West, Uttar, North, Dakshin. पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम, Southwest, Dakshin Purv, Southeast. जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि सूर्य दिशा से निकलती है, वो दिशा क्या है? वो ईस्ट कहलाता है या पूर्व उसे कहते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सुबह उगते हुए सूर्य का दर्शन कीजिए, आप अपने छत पर या घर के आसपास जहाँ से आपको सूर्य दिखाई दें, वहाँ से आप सूर्य के सामने मुख करके खड़े हो जाइए और फिर डायरेक्शंस का पता लगाइए। जैसा कि आपको दिया गया है, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन From where it rises, जिस साइड से निकल रहा है वो क्या है? ईस्ट है। और उसके अपोजिट में आप वेस्ट समझिए। तो अब आपको बताने हैं, जहाँ पे आप हैं अभी या जहाँ आप रहते हैं, वहाँ से from where you are, what interesting things do you see to your east? यानी जिस साइड से सूर्य निकल रही हैं उस साइड क्या क्या है, उसमें से कोई भी चीज़, कोई भी दो चीज़ का नाम आप लिख लीजिए। और ये भी बताइए, नेम टू थिंग्स डेट आर लेइंग टू योर वेस्ट, यानी जिस साइड से सूर्य निकल रही हैं उसके अपोजिट साइड यानी आपके बैक साइड में क्या इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं, उनके भी आप नाम लिखिए। इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप्स के बोट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ सवालों के जवाब दिए थे। उसमें लॉग बोट, जो कि लकड़ियों का बना हुआ
था. उसके बाद आपको मोटर बोट, लॉन्ग टेल बोट, बिग मशीन बोट इत्यादि तरह की जो बोट्स हैं वो देखने को मिलेंगे इस पाठ में. मोटर बोट जो होती है वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है क्योंकि इसके पीछे एक मोटर लगा हुआ रहता है. आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर ए प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड ए गुड कैच ऑफ फिश. देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स. दे विल हैव टू वेट फॉर मेनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स. Some boats have motor and go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fish. These boats travel faster at the speed of about 20 kilometers in 1 hour. आपने डिफरेंट टाइप्स के बोट तो देखे. अब आपके लिए सवाल हैं कि अगर आपके पास एक बोट की स्पीड दी गई हो तो आप डिस्टेंस और टाइम को फाइंड आउट करने के लिए कैसे काम कीजिएगा. जैसे आपके पास एक सवाल है, हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर इन 1 आवर और आपके पास जो टाइम दिया हुआ है वो एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी इसमें एक होल नंबर और एक जो है वो फ्रैक्शनल यानी हाफ आवर्स दोनों दिया हुआ है. यानी आपके क्वेश्चन के आधार पर 3.5 आवर्स दिया हुआ है, यानी 3 hours and 30 minutes. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम होल नंबर्स पे काम करेंगे, फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट है उस पे काम करेंगे. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 आवर, डैट मीन्स 3 hours and 30 minutes. 3 hours तो 1 से जब ज़्यादा हो तब उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई का यूज करेंगे. 1 hour में 20 किलोमीटर्स तो 3 hours में 20 × 3 यानी 60 किलोमीटर्स. और फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा है 30 मिनट्स या हाफ आवर, वो क्या है, 1 से कम. तो 1 से कम कितने हाफ हो सकते हैं, एक 1 में 1 whole number में 2 halves होते हैं. इसीलिए हम लोग 20 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमको हाफ आवर्स का भी डिस्टेंस मालूम हो जाए. तो 20 को 2 से डिवाइड करने पे हमें 10 किलोमीटर्स प्राप्त होंगे. फिर हम लोग दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपके पास होंगे 60 + 10, डैट मीन 70 किलोमीटर्स. इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं, जैसे कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड और टाइम का मल्टीपल निकालना होता है. तो स्पीड यहाँ दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपका जो है वो फ्रैक्शनल 3.5 hours है. तो आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा. इसके लिए न्यूमरेटर और होल नंबर मल्टीप्लाई करके फिर उसमें ऐड करना होता है. तो आप 3 को डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें न्यूमरेटर 1 ऐड कीजिए, 7/2 hours.
यानी आपका मिक्स फ्रैक्शन जो है सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। फिर आप डिस्टेंस स्पीड टाइम का रिलेशन के अनुसार आप मल्टीप्लाई कीजिए 20 × 7/2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप जब लिखिएगा तो वो 70 किलोमीटर्स आएगा। योर सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। सिंस द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर और 1 आवर, तो हियर नोटिस द मल्टीपल्स ऑफ 20। हियर वी हैव 85 किलोमीटर्स, तो यहाँ देखिए 20 यानी 20 के एवरी मल्टीपल्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 20 किलोमीटर जाने में 1 आवर, फिर 40 किलोमीटर तक पहुँचने में 2 आवर, 60 किलोमीटर तक पहुँचने में 3 आवर, 80 किलोमीटर तक पहुँचने में 4 आवर, तो अब जो रेस्ट बच गया है वो है आपके पास 5 किलोमीटर। टाइम टेकन टू गो 80 किलोमीटर्स, यहाँ आप 20 से डिवाइड कीजिए, 80 / 20, दैट मीन्स 4 आवर। अब रेस्ट जो 5 किलोमीटर्स बच गया है, टाइम टेकन टू गो 5 किलोमीटर्स, तो इसमें आप 20 को 5 से डिवाइड करके ये पता कीजिए कि कितना समय और लगेगा, तो 1/4 आवर्स, दैट मीन्स 15 मिनट्स, तो इसका टोटल आंसर होगा 4 hours and 15 minutes। इसे हम डिस्टेंस टाइम स्पीड के रिलेशन से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू 85 किलोमीटर, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डैट मीन्स अगर आपको टाइम निकालना हो तो दिए गए डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करना होगा। 85 / 20, इस फ्रैक्शन को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 17/4, डैट मीन्स 4 and 1/4 hour, जो 4 hours and 15 minutes के बराबर होगा। हम लोग इस दोनों क्वेश्चन का रिवीजन बार बार करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट का उपयोग ज़्यादा हुआ है। इसके बाद हम लोग एक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करेंगे क्योंकि समुद्र या नदियों में मछली पकड़ना जो है बहुत ही ख़तरनाक होता है, तो राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजरस फेस्ड बाय द फिशेज इन आवर रिवर्स एंड सी, और इसमें मछलियों को क्या क्या डेंजर का सामना करना पड़ रहा है, हम लोग जो पॉल्यूटेड किए जा रहे हैं, जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उससे उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो इसके बारे में भी आप एक रिपोर्ट लिखने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे की जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।